इसीलिए हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट दे के अपसाइड के लिए ट्रेड लगा रहे हैं, आपका इस जगह पे लो पे स्टॉप लॉस है ना, और आप फिर क्या कर रहे हैं कि मेरा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम अपना टारगेट से निकलेंगे। मतलब टारगेट क्या, आप पैसा यहाँ तो नहीं लगा रहे, आप तो ऑप्शंस में पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका ऑप्शंस का प्रीमियम ऊपर जाएगा, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाके नीचे भी नहीं आया, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया, अगर साइडवेज चला गया है ना, मार्केट रेंज में रहेगा, आपका स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं, तो क्या आप एग्जिट लेंगे? नहीं लेंगे। स्पॉट का चार्ट देखेंगे तो आप सोचेंगे कि आप क्या बोलेंगे कि नहीं मैं स्टॉप लॉस हिट नहीं, हम तो एग्जिट नहीं लेंगे, लेकिन आपका प्रीमियम तो नहीं रुका रहेगा, ये क्या होगा, ये तो यहाँ पे डिके होता जाएगा, तो आपका यहाँ तो स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है, आप जिद में ऑप्शंस को भी होल्ड करके रखे हैं, ये तो आपको नुकसान पहुंचाता जाएगा, तब तो आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जहाँ पे पैसा लगाते हैं हम लोग वहीं पे चेक करते हैं, वहीं पे स्टॉप लॉस लगा देते हैं, हम लोग स्पॉट चार्ट को नहीं देखते, हम लोग प्रीमियम का चार्ट देखते हैं, और प्रीमियम के चार्ट में ब्रेकआउट पे एंट्री, ब्रेकआउट के नीचे जो लो रहता है वहाँ स्टॉप लॉस, और प्रीवियस जो हाई होता है उसी के हिसाब से हम लोग टारगेट लेके निकल जाते हैं। हम लोग प्रीमियम के चार्ट में ही अपना प्राइस एक्शन को यूज करते हैं, स्पॉट चार्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे उतना नहीं देखते जितना हम लोग प्रीमियम का चार्ट को रेट करते हैं, क्योंकि आपका जहाँ पे पैसा लगा हुआ है हम लोग को फोकस वहीं पे करना है, स्पॉट चार्ट देखेंगे तो फंस जाएंगे, क्लियर है? स्पॉट चार्ट में स्टॉप लॉस सेट नहीं, और आपका प्रीमियम तो धीरे धीरे डिके हो रहा है, फिर क्या होगा, ये जीरो हो गया, आपका वहाँ स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ लेकिन ऑप्शंस में आपको बड़ा नुकसान हो गया, क्लियर है? इसलिए हम लोग क्या, स्पॉट चार्ट को छोड़ के हम लोग प्रीमियम के चार्ट को ही ज़्यादा फोकस करेंगे।